जी कहिए। पता नहीं, जब मैं घर से चला तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आस पास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक हो, मतलब मैं मरने वाला हूँ। पिया जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली हैं, आप बिल्कुल थक गए हैं पिया जी। ओए सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोए, ओए ले जाना चावे से। अरे मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। ओए सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोई ने, ले जाना चावे से। मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। प्राण काढ़ कोई ले जाना चावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से। मन नु लाग लिया मैं ज्यादा देर जीऊंगा नहीं, क्योंकि दुश्मन काल लहू देई का चटन ने हो रहा से, लेके कुलाड़ा आड़ मेरे को काटन ने हो रहा से, सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से, मेरा जी लिकड़ा मैं मरिया पड़ा सिर पाटन ने हो रहा से, बैरी किसा दर्द जिगर ने छूट छूट खावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से। सावित्री मन महसूस होगी मैं बचूंगा नहीं। आपको कुछ भी नहीं होगा पिया जी, आप क्यों टेंशन लेते हैं, जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी गौर से सुनना। कहिए। करम कुलाड़ा गेर लोभ की, करम कुलाड़ा गेर लोभ की, लकड़ी त्याग चल्या रे ईश्वर में चित डाट बुझा, आशा की आग चल्या रे, अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे। सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चल्या रे, सुहाग चला रे। अरे बे समझे बे परख कहेंगे, बे समझे बे परख कहेंगे, यो चक्कर के गावे से। मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। इतनी बात कह के सत्यवान फटका खा के गिर जाता है। और मेहरबानों, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। यमराज आता है और सुनिए बड़ी गजब रागनी किस प्रकार ये हिंदुस्तान की वीरांगना यमराज को अपने बातों के चक्रव्यूह में फंसा के अपने पति के प्राण बचाती है। आइए सुनते हैं, चलिए। यमराज ने आगे हाथ बढ़ाया, हे रुकिए महाराज। बेटी, क्या तूने मुझे देख लिया? जी। ऐसा पहली बार हुआ। जीते जी कोई भी जीव यमराज को नहीं देख सकता। बेटी सावित्री, तूने निर्जला एकादशी के व्रत करे जिसके महत्व के कारण आपने मेरे दर्शन कर लिए। मैं यमराज हूं, ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है जी। लाडो यो तो मर लिया। नहीं महाराज, इसके गिनती के सांस पूरे हो लिए। ऐसा मत कहिए महाराज। और मैं यमराज इसकी आत्मा को निकालने के लिए आया हूँ। नहीं महाराज, मैं आपको अपने पति के प्राण नहीं लेके जाने दूंगी। आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तेरे पति के प्राण आत्मा को निकालने के लिए आया हूँ। बेटी, तू बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। तूने निर्जला एकादशी के व्रत करे जिसके महत्व के कारण मैं तेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं तू अपने पति के मृत शरीर से अलग हट जा। नहीं महाराज। ताकि मैं इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश करवा सकूं। नहीं बेटी, अलग हटना होगा। नहीं।
क्यों? कैसे अट जाऊं महाराज, अभी तो हमारी शादी के पूरे एक वर्ष हुए। महाराज थोड़ा सा ख्याल कीजिए, घर में मेरे सास ससुर हैं, वो भी दोनों अंधे हैं। घर पे जा करके क्या बोलूंगी उनसे महाराज। किसी के जाने से, किसी के मरने से प्रकृति नहीं रुकती, प्रकृति का काम ही निरंतर चलते रहना। तेरा जितना अंजल पानी है तू भुगत कर जागी। तेरे पति के आयु, सांस, धड़कन सब पूरी हो चुकी है। अब मेरे काम में बाधा मत डाल, इसके शरीर से अलग हट। नहीं सावित्री, अलग हट। नहीं महाराज, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अब सावित्री उल्टी हट जा, यहां तक तेरा फर्ज था, अब तू पति के ऋण से उऋण हो चुकी है बेटी, अलग हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी। तेरा फर्जी हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। सावित्री अलग हट। अरे भैया इसके शरीर से अलग हटना होगा। नहीं हटूंगी सावित्री, मुझे मजबूर मत कर, अलग हट। नहीं, अगर तू अलग नहीं हटी तो मैं इसके प्राण नहीं निकाल सकता। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। अच्छा, प्राण चाहती है जी, लेकिन वो तो नहीं मिलेंगे। और तुझे इसके शरीर से अलग हटना भी होगा। नहीं हटूंगी। एक काम कर, तू खड़ी हो, मैं तेरे पति को जिंदा कर दूंगा। कैसे? वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जा खड़ी हो, उसको तोड़ के लेके आ, तब तक जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बड़ी चालू है तू। सावित्री, अगर तू इसके शरीर से अलग हटेगी तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। महाराज आप मेरे पति के प्राण दे दिए। अरे पति का तो रोड़ा है यो, पति को नहीं दूंगा। इस सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर किज को ना टाल करूं। देखे पहले वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करो। ले वचन दीजिए। एक दो तीन। ठीक है महाराज। है सत की सती, सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जामान मस्ता जति पति बिने और मोक्ष बता किस डाल करूं। जामान मस्ता जति पति बिने मोक्ष बता किस डाल करूं। आए भले बुरे कर मौका लेखा, भले बुरे कर मौका लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, We'll be right back.
हमने तीन वचन भरे बेटी और जा, ये तीन वचन मैं तीन वरदान में बदलता हूं, परंतु ध्यान रहे अपने पति को तो मत मांग लेना, इसके बदले जो तू कहेगी कायनात की वो चीज तेरे आगे धर दूंगा महाराज। हाँ रहम कीजिए महाराज, इससे ज्यादा रहम नहीं कर। इस दुनिया में कैसे रहूंगी बिना पति के? अरे दुनिया रहती है महाराज, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। तेरे सास ससुर तो है जो अंधे हैं, उनके सहारे जी ला लिए, अपने पीर चली जाइए महाराज। हाँ एक बार और सोच लो महाराज। देख बेटी मैं भावनाओं में बहने वाला नहीं हूँ, मैं तो करता हूँ प्राणता में विश्वास रखता हूँ। मैंने तुझे तीन वरदान दिए हैं, लेकिन तू तीन वरदान मैं तब दूंगा जब तू मुझे एक वरदान देगी कि तू अपने पति को नहीं मांगेगी, कुछ भी मांग ले दे दूंगा। ये क्या करे महाराज, एक बार फिर से ख्याल कीजिए महाराज मेरा। अगर मुझे और ज्यादा देर करी तो तीन वरदान भी कैंसिल, ये भी नहीं दूंगा। तो ठीक है महाराज। हाँ। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं, तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगा। बड़ी बात, बड़ी बात। चल बेटी यकीन मेरा। अरे राज मिली पिखे राज मिली और नेने खोल दो वो ससुराल करीन मेरा। राज मिले और नेने खोल दो वो ससुराल करीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान जी माइक ले, तेरा पहला वरदान है। हाँ महाराज। तू चाहती है कि तेरे सास ससुर का जो राज है जी, तेरा ससुरा राजा धुमतसेन तेरे पति का पति, हाँ महाराज, तेरे पति का पिता जी, उसका राज चोंडराय मंत्री ने खोसले और राज दिला दूं जी, और उनकी आंखें दे दूं, हाँ महाराज, तेरा पहला वरदान पूरा बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। हे ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तुसीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन वो गति मलिन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन वो गति मलिन मेरा। ओए जी तुसी की होती है ए रे 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 रे। ओए जी तुसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा, उस मानस का के कर ले जो कहीं बात ले डट जा, उस मानस का के कर ले जो कहीं बात ले डट जा। एक वरदान तेरा पूरा, दो वरदान बचे हैं जी महाराज। फिर दोबारा याद दिलाता हूँ, अपने पति को मत मांगना और सोच ले बेटी, जल्दी करके मांग ले, सुन ले मेरी बात। चिंता दूर करो, दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो, दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान जी महाराज, के तेरे पिता के दो पुत्र। हाँ महाराज। उदल फौजी जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद।
बेटी जा, तू कह रही है कि तेरे पिता के दो पुत्र हो, हाँ। और मैं खुश हो के तेरा ये वरदान भी देता हूँ, तथास्तु। और दो की जगह जा सो भाई तेरे हो जाएंगे, सो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। अरे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी, तू किसे धन्यवाद 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 कि तूने अपने पति को नहीं मांगा जी। मैं दोहरा देता हूँ, कभी पाछनियों का चीटिंग कर गया यमराज। हाँ महाराज। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख, उनका राज जी, तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो पुत्र, तथास्तु जी। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी, तथास्तु। अच्छा। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों रोकती हो? लेकिन बात मेरी पूरी नहीं हुई अभी। मैंने तीनों वरदान पूरे करे। अच्छा। सास ससुर का राज, उनकी आंखें दी जी, तेरे पिता के दो पुत्र और तेरे भी एक पुत्र दिया, हाँ। तथास्तु। अच्छा। अलग हट महाराज। दिखे कैसे होगा, कैसे होकर पुत्र मेरा जब पति अलेना, कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलेना हटी जा। सावित्री जी। क्या महाराज? यो के मांग लिया। क्या मांगा है महाराज मैंने? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस पिता को के है यो पति। हाँ, पति को कभी पुत्र कहती है, कभी पिता कहती है, कभी। तूने तो अनुप्रास अलंकार में मुझे भटका दिया। नहीं महाराज। बेटी मैंने पहले ही कहा था कि इस पति को मत मांगना। महाराज मैंने पति को कहां मांगा है, मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो दे तो दिया, तेरे भी और तेरे बाप के भी। अच्छा। और तो एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ये बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो हमने सोचा ही नहीं बेटी। दरअसल बात ये है, तेरी इस नगरी में गर्मी बहुत है और दिमाग खराब हो गया, हैंग हो गया सिस्टम बेटी, मैं भूल गया और मैंने अनजाने में तेरे को ये वरदान तथास्तु कह दिया। ये पूरा नहीं हो सकता। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते हैं तो आप जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। ए सावित्री, तू नहीं जानती मैं कौन हूं? मेरी बेइज्जती कर रही है कि मैं उल्टा चला जाऊं? मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। यमराज हूं मैं, यमराज। मेरी ओर देख। ये मर चुका है। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, वरना आप वचनहार हो जाइए। और अभी तो आप थोड़ी देर पहले बहुत कह रहे थे तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तीसी होगी तथास्तु। बेटी ये वरदान तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अरे महाराज, आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तन्ने तो मुशी बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो नहीं कर सकता काम जो। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी गोन्या। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति के नियम टूट जाएंगे, क्या तुझे पता नहीं? मर चुका है तो मर चुका है। अच्छा। नहीं बच सकता। पर महाराज मैं आपको अपने पति के प्राण नहीं लेके जाने दूंगी, वरना आप वचन तोड़ दीजिए अपने और वापस चले जाइए। बेटी तू समझदार है। नहीं महाराज। क्यों बेइज्जती करे मेरी? ना, मुझे कुछ नहीं पता। कड़े फंस गया आदरामपुर में। बेटी मेरी बात सुन। अरे नोनी दी दिखे नोनी दी और बारा सी थी आती ने आपकी माया, नोनी दी और बारा सी
पति की काया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। मानेगी जी नहीं, जिंदा करवाओगी बिल्कुल, तो एक परीक्षा पास कर। कैसी परीक्षा? अभी मैंने देख लिया तेरी उम्र 100 बरस बकाया है। अच्छा, अगर तू अपनी आधी जिंदगी को यानी के 50 साल को यमराज को दान कर दे, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दान कर दूंगा। 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति जी लेगा। लेकिन सोच ले, गणाए हुए 100 साल मौज मारेगी, ईश्वर के वरना कितने मिलेंगे। सोच ले क्यों खराब करे है। आधी जिंदगी का दान दे अपने पति को तो बच सकता है, वरना कोई ताकत नहीं इसको बचाने वाली। सोच ले महाराज। हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। ताली बजानी पड़ेगी भाई। ला ला दे आधी जिंदगी दे या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी। ले बेटा खड़ा हो जा। हे मान सिंह ने मन समझाया। क्या कर रहा है महाराज? आपने वचन दिया है पुत्र करूं। हे मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर कारक जा। कह